राजस्थान के भीलवाड़ा में दो कॉन्स्टेबलों को हत्यारा और गैंगस्टर राज फौजी के नाम से मंडी व्यापारी को फोन कर 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के जायल कस्बे की है, जहां एक युवक ने खुद को राज फौजी का बदमाश बताते हुए कृषि मंडी व्यापारी को फोन कर जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। इस पर व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने भी नंबर ट्रेस कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि समाचारों में लगातार बदमाश राजू फौजी के बारे में पढ़ा जा रहा था और उसने लगने लगा था कि गैंगस्टर राजू फौजी के नाम से कोई भी फिरौती दे देगा, इसी पर उसने फिरौती मांगने का यह पूरा प्लान बनाया। जायल निवासी मंडी व्यापारी श्रीनाव बाजार ने जायल थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया, मंगलवार दोपहर 2:45 बजे उसके मोबाइल पर एक युवक का कॉल आया। कॉल करने वाले युवक ने कुख्यात बदमाश राज फौजी का आदमी बताते हुए कहा कि फौजी का आदेश है कि अगले 1 घंटे में 5 लाख रुपए भिजवा दे, नहीं तो आज दोनों बाप बेटे में से एक ही घर जाएगा। इसके बाद उसने फोन काट दिया। मंडी व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।